हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाएंगे रात के बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो सभी के घरों में चावल बच ही जाते हैं और उन्हें हम फेंक देते हैं या गाय को या कुत्ते को खिला देते हैं। तो आज हम फेंकेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है और उसके अंदर डाल दिए बचे हुए चावल। और आधा कटोरी में डाल रही हूँ इसमें दही। तो दही मेरा खट्टा नहीं है इसलिए मैंने आधा कटोरी डाला, यदि खट्टा है तो कम डाले। और इसको हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। दही की जगह आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हो। और देखिए मैंने इस तरीके का ये पेस्ट बना लिया है और थोड़ा चिकना टाइप का रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पूरे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर मिला दूंगी। और इस तरीके से देखिए मैंने ये पेस्ट पीसा है मिक्सी में, और ये पानी में मिला के इसको भी इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है, हमने बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया, जो अभी डाला है इतना ही डाला है। और इसके अंदर हम पानी यूज नहीं करेंगे बाद में भी, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको मिलाना है और इससे ज़्यादा पतला बैटर नहीं रखना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मैं डाल रही हूँ कच्चा आलू। तो एक कच्चा आलू लिया है लेकिन बड़ी साइज़ का है, तो इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और अच्छे से धो के डाला है। आप यहाँ पे कच्चे आलू ही यूज करें, जिससे क्या आपका नाश्ता एक क्रिस्पी बनेगा। वैसे आप उबला आलू भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन कच्चे आलू से नाश्ता थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपके पास आएगा। अब अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं बारीक कटी हुई दो हरी मिर्ची, ये मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ते। और अब हम डालेंगे मटर। तो मेरे पास मटर रखी थी तो मैंने मटर डाल दिया। आप यहाँ पे और भी कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हो। ये मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला। पास्ता मसाला की जगह आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो, उससे भी हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। आधा चम्मच मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर, चुटकी भर हम डाल रहे हैं हल्दी। तो हल्दी यहाँ पर कम डालना है, नहीं नाश्ता बहुत ज़्यादा पीला पीला लगेगा। और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक, यानी कि स्वाद के अनुसार आपके स्वाद के अनुसार नमक डालें। और अब हम डालेंगे यहाँ पर भुना हुआ जीरे का पाउडर, एक चम्मच मैंने सौंफ डाला है। और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कलौंजी दाने। कलौंजी दाने की जगह आप यहाँ पर सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो। और एक चम्मच अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये मैं डाल रही हूँ एक चम्मच बेसन। तो मैंने यहाँ पर सौंफ इसलिए यूज करिए कि हम बेसन से ये नाश्ता बना रहे हैं, तो बेसन थोड़ा भारी रहता है इसलिए। और इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमको पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर बिल्कुल भी, मतलब पानी नहीं डालना है। यदि हमको थोड़ा गाढ़ा लगेगा बैटर तो हम पानी बाद में डालेंगे, लेकिन पहले हम अच्छे से इसे मिलाएंगे, नहीं तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सूजी भी डाल सकते हो, या सूजी नहीं होता आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हो, और जितना बनाना उस हिसाब से डालें। लेकिन मैंने यहाँ पे बेसन सिर्फ एक चम्मच ही लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस तरीके से बैटर तैयार कर लिया है। अब लेके चलते गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है गुड़ पंगड़ का तवा, और इसमें हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है यहाँ पर। और इसे अच्छे से चारों तरफ लगा लिया है तेल को। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर हम बैटर डाल देंगे। तो बैटर चम्मच में उतना ही ले जो अंदर चले जाए, मतलब बाहर नहीं निकले, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से नाश्ते को बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि गैस को थोड़ा स्लो रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ा बेसन भी डाला है, तो कम गैस में अच्छे से सिकेगा। और हम ज़्यादा तेज़ गैस रखेंगे तो नीचे से जल्दी सिक जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा। और देखिए अच्छे से सिक गया है, तो मैं इन्हें पलट रही हूँ। बहुत ही अच्छे लगे इस तरीके से बनाएंगे तो, खाने में भी टेस्टी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये नाश्ता बनाया हमने बासी चावल से, और इसी तरीके से हम सभी को पलट लेंगे। और फ्रेंड्स, वेजिटेबल आपके हिसाब से और भी कोई ऐड कर सकते हो इसके अंदर। मैंने बहुत ही कम तेल में इस तरीके से नाश्ता बनाया है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। और ऊपर से हल्का हल्का मैंने तेल डाला है, और इन्हें अब हम 2 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे, लेकिन गैस को स्लो ही रखना है। अभी 2 मिनट हो गया तो देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से नीचे से भी सिक गए हैं और एकदम कुरकुरा नाश्ता बना है। तो यदि आपको मेरी नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी तरीके से मैंने देखिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं।
बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता बना है। इसी तरीके से मैं बाकी का बचा हुआ बैटर है वो भी डाल दूंगी और पूरा नाश्ता हम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आया था क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाए। बाय बाय, टेक केयर।